हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है दशवाल है और मैं क्लास 12 में पढ़ता हूँ। मैंने कोडिंग कुछ साल पहले स्टार्ट की थी और मेरी लर्निंग जर्नी में मेरे को सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं था, मुझे गाइड करने के लिए कोई नहीं था और मिस्टेक्स जब होती थी कभी खुद फिगर आउट करनी पड़ती थी, वो सब डिफ़िकल्टीज मैंने फेस की थी। तो कोड कश्मीर मैंने इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि अब मैं एक पॉइंट पाया हूँ जहाँ पर मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में और आई थिंक मैं हेल्प कर सकता हूँ बाकी कश्मीरी स्टूडेंट्स को ताकि वो ये सेम प्रॉब्लम फेस ना करें। तो इस प्रोजेक्ट में मैं एक तो गाइड्स बना रहा हूँ डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के लिए, लेटेस्ट गाइड्स जिनमें रिसोर्सेज होंगे, प्रोजेक्ट्स होंगे जो मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस में ढूंढे हैं और जो मेरे सीनियर फ्रेंड्स के होंगे एक्सपीरियंस, उससे भी डिराइव करूँगा मैं वो गाइक। और इवेंट्स होंगे, टॉक्स, इंटरव्यूज़ और प्रोजेक्ट्स होंगे एंड स्टफ लाइक दैट। तो आज हमारे साथ यहाँ मुइन मीर है, ही इज़ ए अंडर ग्रेजुएट एट प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड है। तो मुइन, व्हाई डोंट यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ? हाय एवरीवन, आई एम मुइन। I am a computer science. I study computer science at the University of Pennsylvania. I'm at Princeton University mein computer science padhta hu. I'm currently a rising junior. Rising junior ka matlab hota hai main teesre saal mein jaane wala hu. Abhi summer break pe hu. I'm stoked to be here. Matlab Heather ne ye code in Kashmir start kiya hai. I'm glad to be the first guest. Thank you so much for being here, Moin. I really appreciate it. So let's start off with some questions. So Moin, why did you choose CS as your major? So it wasn't anything in particular. I was just my computers. I was fascinated. My computers ke sath fascinated tha kafi time se. क्लास 9 से पहले भी मतलब काफ़ी यंग एज से कुछ सीरियस नहीं किया मैंने कुछ मतलब मैं कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस खुद अकेले नहीं सीखी, बट आई वाज जनरली इनटू कंप्यूटर्स एंड मेरी वो इन्वॉल्वमेंट इन कंप्यूटर साइंस इट वाज लिमिटेड टू जो स्कूल की टेक्स्ट बुक्स होती थी। मैं मतलब जब नए क्लास की टेक्स्ट बुक्स आती थी आई यूज टू डू like I used to go into them and finish those textbooks when I got them. And फिर in later years in classes 9th 10th मैंने थोड़ा सा कुछ start किया था खुद करना। I started learning some languages, but since I wouldn't say कि opportunities नहीं थी, but access to opportunities नहीं थी, guidance नहीं थी, बोलने के लिए कोई नहीं था कि ये करना है और ये कर सकते हो। तो So I didn't pursue it anything like pursue computer science in any serious way until after graduating from high school. So 11th 12th I went in non-medical Australia because I was good at math and generally interested in the engineering side of things. And again computer science when I got into Princeton, मैंने कंप्यूटर साइंस इसलिए चूज किया बिकॉज एक्चुअली आई वाजंट श्योर स्टार्टिंग में प्रिंसटन जब मैंने ज्वाइन किया आई वाजंट श्योर कि मैं कौन सा मेजर चूज करूं। मैं कंप्यूटर साइंस पे पूरा डिसाइडेड नहीं था बिकॉज ऑब्वियसली कुछ एक्सपीरियंस ज़्यादा थी नहीं पहले किसी भी फील्ड में, बट आई डिसाइडेड टू टेक कंप्यूटर साइंस बिकॉज इट वॉज द मोस्ट लाइक जेनेरिक थिंग जो मैं परस्यू कर सकता था, विच ऑल्सो अलाउड मी अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी कि मैं बाकी एरियाज बाकी फील्ड्स में मतलब आगे जाके मैं बाकी फील्ड्स में भी जा सकूँ इवन इफ इवन दो आई हैव अ कंप्यूटर साइंस डिग्री। तो दैट दोज आर सम ऑफ द मेन रीजंस आई चोज कंप्यूटर साइंस। मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ आई टुक मैकेनिकल इंजीनियरिंग फॉर एग्जाम्पल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैंने ली होती I would be sort of constricted into that field, but computer science is a lot more flexible. आप अपनी degree, अपने skills के साथ काफी चीजें कर सकते हैं। And yeah, that's it.
दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि कंप्यूटर साइंस एक बहुत वर्सेटाइल सब्जेक्ट है, लाइक आज के ज़माने में हर एक फील्ड में उसके एप्लीकेशन है. तो लाइक कुछ पर्टिकुलर है कंप्यूटर साइंस में, यू सेड लाइक यू वर ड्रॉन टू कंप्यूटर साइंस, लाइक व्हाट पर्टिकुलर एस्पेक्ट? आई वाज ड्रॉन टू कंप्यूटर साइंस, मतलब मैं व्हेन आई से आई वाज ड्रॉन टू देम, आई वाज जनरली फैसिनेटेड, मतलब मैं कंप्यूटर जब होता था आई यूज्ड टू टिंकर अराउंड विद स्टफ. लाइक आई सेड इट वाजंट एनीथिंग सीरियस, मतलब मैं कुछ ज्यादा मतलब टेक्निकल उतना ज्यादा नहीं करता था. फॉर एग्जांपल लेट्स से कि हमारी कंप्यूटर साइंस की नई बुक आती थी, उसमें HTML है, उसमें विजुअल बेसिक है, उसमें बेसिक लैंग्वेज है. मैं मतलब मैं पहले ही दिन पहले सबसे पहली चीज़ में वो कंप्यूटर किताब खोलता था एंड आई यूज टू ट्राई आउट एवरीथिंग एंड मतलब वो इतना sort of मैं कहूँगा कि एंड आई वाज आल्सो आई डिड दिस अलोंग विद अनदर फ्रेंड ऑफ माइन. एक हाई स्कूल में क्या स्कूल में एक दोस्त था मेरा हु इज आल्सो इनटू दिस स्टफ. तो वी यूज टू लाइक हमारे स्कूल में कंप्यूटर लैब पीरियड होता था एक, जिसमें हमें कंप्यूटर चलाने को बोलते थे, उसमें हमें वर्ड और पावर पॉइंट सिखाते थे. तो उस टाइम पे हम दो दोस्त कंप्यूटर में बैठ के बेसिक में कुछ ना कुछ बना रहे होते थे. तो आई रिमेम्बर वन डे के मतलब आई थिंक सिक्स्थ या सेवन्थ में हमने बेसिक में पूरा कैलकुलेटर लिख दिया था. मतलब दैट इज ऑल्सो टू हाईलाइट कि बेसिक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी है जो आज सीखनी नहीं चाहिए. इट्स लाइक इट्स बैड टू लर्न बेसिक, बट बिकॉज गाइडेंस नहीं थी, बिकॉज पता नहीं था, तो हम बट इंटरेस्ट था सॉर्ट ऑफ, मतलब फैसिनेशन थी क्या चीज़ है, क्या हो रहा है. तो आई डोंट थिंक कि इट हैड समथिंग, लाइक वो एक जनरल फैसिनेशन थी एंड कंप्यूटर साइंस वॉज kind of a good way to outlet that I don't know, मतलब उसमें कुछ है ना, मतलब खुद चीज बनाने में and then it works, so like computer science is a good way of doing that. तो मैं second question है कि obviously US में जाके आपका perspective change होगा around technology, मतलब ऑब्वियसली जैसे कश्मीरी स्टूडेंट कोई टेक्नोलॉजी को देखता है तब यू डिफरेंट होगा, थोड़ा मोर ब्रॉड पर्सपेक्टिव होगा, तो आप एलाबोरेट कर सकते हो थोड़ा? आई थिंक इन द ब्रॉडर सेंस टेक्नोलॉजी की तरफ पर्सपेक्टिव मेरा पर्सपेक्टिव चेंज नहीं हुआ है, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आई है कि हाउ परवेसिव technology and computer science is aaj ke zamane mein. To matlab ha matlab ek sort of realization hai ki matlab yahan pe agar ek cheez kahunga wo realization nahi hai ki how pervasive computer science is in every single field, ke ye nahi hai ki computer science help karta hai koi cheez karne mein, बट आज ये है कि कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर्स या फिर टेक्नोलॉजीज मतलब इन जनरल टेक्नोलॉजी इनेबल्स थिंग्स, इट डजंट हेल्प अलोंग विद द थिंग्स दैट वी डूइंग, बट इट इनेबल्स अस टू डू न्यू थिंग्स, इट इनेबल्स अस टू मूव फास्टर. तो दैट रियलाइजेशन आई थिंक इज वन ऑफ द बिगेस्ट चेंजेस इन पर्सपेक्टिव आई हैव हैड आफ्टर गोइंग टू द यूएस. एंड ऑल्सो के ये एक ये मतलब एक ये सॉर्ट ऑफ रियलाइजेशन भी आई है कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर एवरीवन रिगार्डलेस ऑफ एंड बिकॉज मतलब ये थोड़ा उसका कॉन्सिक्वेंस है व्हेन आई रियलाइज्ड कि कितना परवेसिव है, कितना इम्पोर्टेंट है टेक्नोलॉजी हर किसी चीज में, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज कि सब लोग को एक लेवल ऑफ फेमिलियरिटी होनी चाहिए इन सब चीज़ों के साथ. एग्री, लाइक कैन यू गिव सम एग्जांपल्स के मतलब आपने क्या सुना जिससे आप सरप्राइज हो गई कि इतना पर्वेसिव है, लाइक यू एक्सपेक्ट? मैंने मतलब कुछ सुना नहीं एंड आल्सो इट वाजंट नेसेसरीली बिकॉज आई वेंट टू द यूएस. आई थिंक कुछ हद तक वो रियलाइजेशन कॉलेज जाने से आई है एंड नई चीजों के बारे में पढ़ने से आई है, एंड आई डोंट थिंक एनी इन लाइक स्पेसिफिकली यूएस जाने से मेरे को हुआ है. आई एम प्रीटी श्योर कि कोई भी कंप्यूटर साइंस मेजर कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी में वुड हैव द एंड आई डोंट इवन थिंक कंप्यूटर साइंस बट एनी एनी कॉलेज
टेक इंक्लाइंड और इंजीनियरिंग इंक्लाइंड पीपल विल हैव दिस रियलाइजेशन के टेक्नोलॉजी कितनी परवेसिव है इन टुडेज वर्ल्ड. एंड इट कम्स विद एक्सपीरियंस, क्या कहूँगा मैं, लर्निंग एक्सपीरियंस आउट ऑफ व्हेन यू सी हाउ थिंग्स वर्क. मतलब लेट्स टेक मेडिकल टेक्नोलॉजी फॉर एग्जाम्पल. आज मेडिकल टेक्नोलॉजी इतनी इम्प्रूव हो गई है कि हर एक चीज़ कंप्यूटर से होती है. एंड आई वॉज ऑल्सो मैं पिछले 2019 के समय में, 2020 के समय में, मैं एक मेडिकल स्टार्टअप नहीं है वो, मतलब एक कंपनी है. मैं एक सॉफ्टवेयर इंटर्न था वहाँ पे. एंड आई वॉज यूजिंग मशीन लर्निंग टू इम्प्रूव क्लिनिकल ट्रायल मैचिंग बेसिकली. तो मतलब ये उन उन जगहों पे कंप्यूटर्स एंड टेक्नोलॉजी यूज होती है जहाँ पर वी वुडंट थिंक कि हो सकती है. एंड दैट्स बिकॉज ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर और एनी सॉर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग इज इनेबलिंग दोज थिंग्स. That makes perfect sense. So, like, have you heard about Neuralink? Sorry, give me a second. I think my Neuralink, like, it's a startup by Elon Musk. What about it? Yeah, just give me one second. I think my audio is. चिप इन द ब्रेन ऑफ लाइक अ गिनी पिग, राइट? एंड लाइक इट्स कंप्लीटली डन बाय अ रोबोट, लाइक 100%. दैट्स कहाँ तक पहुंची है. मतलब इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड लुक अप न्यूरालिंक. दे बेसिकली अभी उनका प्लान ये है कि वो दिमाग में छोटी सी चिप्स डालेंगे. दोज आर बेसिकली इक्विप्ड विद लिटिल इलेक्ट्रोड्स दैट गो इनटू द ब्रेन. एंड द aim is to cure, like allow paraplegics or quadriplegics to walk again or regain some of the function of their limbs. Next question, how was your experience studying CS in Princeton? Like you said, like you know how you think, like everybody who is studying CS like would know like how persuasive it is, but like how do you think CS at Princeton like was different than you expected? I think Princeton mein CS padhna than other colleges difference ye hai ki you get a lot of exposure in the sense ki the people around you are really smart. And but the like the things we're learning, matlab CS ki actual learning jo hoti hai Princeton mein, it's kafi similar hai to learning CS in any other college. The difference is ki uske around kya cheeze hain. Main apne around, matlab mere saath jo log hain, they're doing a lot of cool things. Matlab startup start kiye hain kafi, and successful startup start kiye hain काफ़ी फ्रेंड्स हैं. एंड एक सॉर्ट ऑफ नेटवर्क बन, मतलब प्रिंसटन इज लाइक वेरी, मतलब एक सॉर्ट ऑफ नेटवर्किंग क्लब है सॉर्ट ऑफ, वो उसका मेन अपटेक है. एंड दैट्स दैट गोज फॉर ऑल मेजर और एलीट कॉलेजेस अराउंड द वर्ल्ड के. एक तो तुम्हारा वो ब्रांड नेम मिलता है कि प्रिंसटन है, IIT है, हार्वर्ड है, कोई कॉलेज है. एंड द अदर थिंग इज कि आपका एक नेटवर्क बनता है. यू गेट टू मीट अ लॉट ऑफ कूल पीपल हु आर डूइंग अ लॉट ऑफ अमेजिंग थिंग्स.
उससे आपको थोड़ा खुद के करियर पे, खुद की लर्निंग पे पर्सपेक्टिव मिलता है कि तुम क्या कर सकते हो. एंड द डिफरेंस आई गेस, एंड नॉट द डिफरेंस, द प्रॉब्लम विद अ लॉट ऑफ प्लेसेस वेयर पीपल, लेट्स टॉक अबाउट कश्मीर, अगर हम कश्मीर की बात करेंगे कि काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैं, दे डोंट डू अ लॉट ऑफ थिंग्स बिकॉज दे डोंट नो दैट दे कैन डू इट. एक कोर प्रॉब्लम है, ये नहीं है कि गाइडेंस नहीं है, आज इंटरनेट है, सब अवेलेबल है, ये प्रॉब्लम भी नहीं है कि केपेबल नहीं है, सबके बहुत टैलेंटेड लोग हैं, अकलमंद लोग हैं, प्रॉब्लम ये है कि पता नहीं है कि कर सकते हैं. तो दैट इज अनदर मेन थिंग दैट यू गेट फ्रॉम स्टार्टिंग एट अ प्लेस लाइक दिस. जब आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें कर रहे हैं, आपके प्रोफेसर्स हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं, या फिर आपके अलमनाई हैं जिनका आपके साथ नेटवर्क बन रहा है, यू काइंड ऑफ गेट एन आइडिया ऑफ व्हाट यू कैन डू विद योर करियर, विद योर सेल्फ, विद योर डिग्री सॉर्ट ऑफ. Yes, that does make sense. So I also think that like computer science is a field like which has the highest accessibility. मतलब कि जिसको भी पढ़ना है इसके बारे में like he can study. Like जो आप प्रिंसटन में पढ़ रहे हो, I think everybody can study that at their own homes, like if they have their motivation. Like do you agree? Exactly. आज तो computer science jobs के लिए या फिर software development jobs के लिए डिग्री एक प्री रिक्विजिट नहीं है. इट ऑब्वियसली हेल्प्स कि आपके पास कंप्यूटर साइंस डिग्री है, वो सॉर्ट ऑफ एक वेरिफिकेशन आ जाती है कि दिस पर्सन नोज थिंग्स, बट इट इज़न्ट रिक्वायर्ड बाय एनीवन हु हैज़ द स्किल्स कैन कैन परस्यू अ करियर इन सीएस विदाउट एक्चुअली गेटिंग अ डिग्री. And the quality of their skills, मतलब जो वो सीखेंगे actually, it'll be the same as what they'll get from a university. Exactly. We was say कि हम खुद work put करेंगे इतना कि नहीं. But like I said, कि university का main core proposition वो नहीं है कि वो आपको ये पढ़ाते हैं. Obviously पढ़ाते हैं, that's the main thing. It's a big thing, but khali wo nahi hai. The things that come with that are, in my opinion, more important. Okay. All right. So, my next question is like, which are you feeling? Also, just wanted to add another point to the last one. Ke university jaane ka ek aur benefit ye hai, ya fir, पेड कोर्सेज, पेड बूट कैंप, पेड चीज़ें करने का एक और बेनिफिट ये है कि जिन लोगों को मोटिवेशन नहीं है पूरी, या फिर पूरा वो मोटिवेशन नहीं मैं बोलूँगा, बट आई डोंट नो, पीपल हु थिंक दे आर नॉट कंसिस्टेंट इनफ के वो उसके साथ रह सकें, नॉट अ रिफ्लेक्शन ऑफ के वो कितने पैशनेट या मोटिवेटेड हैं उस चीज़ के लिए, बट पीपल हैव ट्रबल डूइंग दैट इन जनरल, तो उनके लिए ये चीज़ें काफ़ी इफेक्टिव होती हैं. आई कैन टॉक अबाउट माई सेल्फ के अगर गोइंग टू यूनिवर्सिटी इन अ स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट एंड लर्निंग दीज थिंग्स इन अ स्ट्रक्चर्ड वे, कि आपको क्लासेस लेनी है, आपको डिग्री करनी है, आपको ग्रेड्स हैं, आपको प्रोफेसर, जब अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है, आई लर्न बेटर इन दैट एनवायरनमेंट. That is true. Like ये मैंने खुद के लिए भी नोटिस किया है, जब मैंने कोर्सेज लिए लाइक मोर डेडिकेटेड होता हूँ वो कम्प्लीट करने के लिए, रादर देन मैंने कोई ऐसी यूट्यूब पे वीडियो उठाया एक आधे घंटे का, लाइक अ लॉन्ग प्ले लिस्ट हुई, उतना इफेक्टिव नहीं होता. एग्जैक्टली. हाँ, एंड दैट्स व्हाई, मतलब इन जनरल कोई भी चीज़ करने के लिए, इवन इफ यू आर नॉट डूइंग अ पेड कोर्स और एनीथिंग, इफ यू आर नॉट डूइंग अ पेड प्रोग्राम और यू आर नॉट इन अ क्लास और समथिंग, एंड ये सब चीज़ों पे अप्लाई होता है, नॉट जस्ट कोडिंग, इन जनरल अगर कुछ सीख रहे हो, कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, इफ यू डूइंग एनीथिंग एट ऑल, थोड़ा स्ट्रक्चर ऐड करना चाहिए उस चीज़ के लिए, थोड़ी प्लानिंग करनी चाहिए बिफोर यू स्टार्ट, एंड
खुद को अकाउंटेबल रखना चाहिए इवन इफ यू डोंट हैव एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी एंड दैट हेल्प्स अ लॉट इन डूइंग व्हाटएवर यू वांट टू डू. यस एंड फिर नेक्स्ट पूछना मुझे कि आपकी फेवरेट टेक्नोलॉजीज कौन सी है व्हिच यू लाइक टू यूज जो सबसे यूजफुल लगी आपको. By technologies, do you mean like actual physical products or like I mean like software, programming tools. Languages, tools, and stuff like that. अच्छा मैंने काफी अलग-अलग चीजें try की हैं पिछले एक दो साल में. For the first 2 years, I was doing a lot of machine learning. In that period, I used Python and Google ki kafi sari libraries and TensorFlow wagera wagera, and I used Jupyter notebooks kafi zyada. So that was really useful for ML. And for the past, I think ek saal ke liye main web development try kar raha hu. I'm still learning. Abhi maine kafi zyada isme invest nahi kiya, but since then I've been using VS Code. Kafi useful hai, kafi behtareen code editor hai, and Python use kar raha hu in addition to abhi JavaScript sikha nahi hai pura, but I've been using Python to build a web application for Princeton. So I guess in my favorite technology, I don't think I have a favorite technology. I just I'm still trying out different things, trying out different technologies. I guess that's my answer. And probably I'll move to something else soon once I've achieved a certain level of I don't know, मतलब एक पॉइंट पे पहुंचूंगा मैं वेब डेवलपमेंट में. आई माइट ट्राई समथिंग एल्स. ओके दैट्स कूल. सो आई वाज गोइंग टू आस्क यू लाइक योर फेवरेट प्रोजेक्ट कौन सा जिस पे आपने वर्क किया है. आई थिंक अभी वाला प्रोजेक्ट जिस पे मैं काम कर रहा हूँ इट्स माय फेवरेट प्रोजेक्ट बिकॉज I think start to finish, like this has been my idea, and it's not just to learn web development, but for context, I'm building an events app. Basically, हमारी university में एक centralized event database नहीं है. Students को event notify होता है जब वो emails देखते हैं अपने, and बहुत सारे emails आते हैं दिन भर. So 150 emails aate hain, so it's very hard to sort through them, and ek to inbox clutter ho jata hai, and events miss ho jate hain. So that's why I'm making this web application jisme students will be able to find events, search for them, and kafi sare extra features hai usme. Aap save kar sakte ho CPUs wagera wagera wagera, and I guess this is my favorite project because one, I came up with the idea. Second, ke ye project main just for the sake of doing a project nahi kar raha, it's actually going to be useful somewhere. And teesra, because maine web development isse pehle nahi ki, so I'm learning new things. I'm learning web app frameworks. I'm learning different things. So I guess this has been the most fun project I've worked on. I totally agree with that. कि मतलब जब कुछ खुद बनाते हैं तब जो satisfaction मिलती है like that is priceless. I think that was the main reason I like got into coding, like because it gave me the power to create things. So मैं भी जो भी project work करता हूँ इस पे भी usually कुछ नया create करने के लिए होता है, and it's very satisfying जब वो end में कुछ अच्छा shape लेता है. मैं हर एक advice करूँगा वो try करने के लिए in any field, like but creating something of your own. बहुत अच्छी फीलिंग होती है. एंड माय फाइनल क्वेश्चन टू यू इज, तो व्हाट वुड यू एडवाइस बी टू समवन हु वांट्स टू स्टार्ट टू लर्न कोडिंग इन कश्मीर. आई वुड सजेस्ट टू स्टार्ट
कोई भी चीज करने का सबसे इम्पोर्टेंट सबसे मुश्किल स्टेप होता है स्टार्ट करना. आई नो दैट्स वेक बट जस्ट स्टार्ट समवेयर. द बेस्ट प्लेस टू स्टार्ट इफ यू आर कंप्लीट मतलब कुछ नहीं आता है कोडिंग के बारे में देर आर लॉट ऑफ ऑनलाइन रिसोर्सेज. मतलब मेरे को नहीं लगता ऑनलाइन किसी और सब्जेक्ट के बारे में इतनी ज़्यादा रिसोर्सेज होंगी कोई चीज़ सीखने के लिए. फ्री हैं, पेड हैं, सब कुछ है. एंड आई एम श्योर हैदर के पास काफ़ी रिकमेंडेशंस होंगी आप कहाँ से सीख सकते हो. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू स्टार्ट एंड वंस यू स्टार्ट ट्राई टू डू समथिंग विद इट. जैसे अभी मैंने कहा वन ऑफ द मेन एंजॉयमेंट्स इन दिस फील्ड इज़ व्हेन यू मेक समथिंग न्यू. तो वंस यू लर्न समथिंग ट्राई टू मेक समथिंग फ्रॉम इट. पहले पहले वो काफ़ी छोटी चीज़ें होंगी बट इवेंचुअली व्हेन यू लर्न मोर यू विल बी एबल टू डू बिगर थिंग्स. एंड कोडिंग में एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी कोई भी प्रोजेक्ट पे किसी भी मतलब किसी भी लेवल पे चाहे वो सीनियर डेवलपर इन आई डोंट नो गूगल होगा या कोई भी होगा दे डोंट नो एवरीथिंग अबाउट दैट थिंग. दे जस्ट स्टार्ट डूइंग इट एंड देन दे लुक स्टफ अप दे लर्न ऑन द वे. तो इन माय ओपिनियन दैट्स द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग थिंग्स. तो सो माय एडवाइस वुड बी टू स्टार्ट व्हेन यू वंस यू लर्न समथिंग ट्राई टू बिल्ड समथिंग फ्रॉम इट. And also the third thing, ये काफ़ी मेरी मतलब personal advice है which applies to everything is organized रहना चाहिए काफ़ी ज़्यादा in whatever you're doing. If you are मतलब एक sort of habit बनाओगे अपना document करना चीज़ों को organize करना plan करना चीज़ों को even if they're small right now आगे जाके it will be a really helpful habit to have. I guess that's my main advice. If you're interested in coding or technology or software development, just start and then try to make something and document and organize and plan. The last part applies to everything you're doing. That's really nice advice. So my last question is like, do you think coding is for everybody or it's just for a few people? Coding, मतलब ये तो coding is for anyone who enjoys it. मतलब there are people who enjoy stuff, there are people who don't enjoy stuff, there are people who can. मतलब I can say कि कोई भी इंसान ये नहीं है कि because you're in a certain group you are excluded from coding. Because I'm from Kashmir, मैं coding नहीं कर सकता. Because I'm from in this group, मैं coding नहीं कर सकता. Because I have this identity, मैं coding नहीं कर सकता. वो चीज़ नहीं है. Just interest होना चाहिए and थोड़ी motivation होनी चाहिए. Because it does get sunshine and roses नहीं है. मज़ा नहीं आता है 100% of the time you're coding. काफ़ी time frustrating होता है. काफ़ी time बहुत टाइम के लिए चीज़ें नहीं चलती हैं. तो मोटिवेशन होनी चाहिए और इंटरेस्ट होना चाहिए एंड देन रिगार्डलेस ऑफ हु यू आर और व्हिच लाइक व्हाट यू व्हाट आइडेंटिटी यू हैव यू कैन कोड. ओके लाइक जैसे जब कोडिंग है ना फॉर एग्जांपल मशीन लर्निंग और क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर मतलब उनमें एक मैथमेटिकल कॉम्पोनेंट होता है एडियर स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स उनमें लॉजिकल थिंकिंग का बहुत हाई लेवल होता है. डू यू थिंक हाँ मतलब कोडिंग में काफ़ी ओके देयर इज आल्सो दिस एक और चीज़ है कि इफ यू वांट इन टू कंप्यूटर साइंस देयर इज नॉट खाली कोडिंग नहीं है खाली logic and coding nahi hai. You can also be on the design end of things. You can be a front end engineer.
If you have a keen eye for design, you can build websites. You can build front end website. मतलब तुम्हें कुछ complicated कोडिंग नहीं, मतलब ओके नॉट कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड होती है, बट इफ यू हैव अ कीन आई फॉर डिजाइन एंड नॉट फॉर द मैथ ही और थियरी साइड ऑफ थिंग्स, यू कैन परस्यू अ करियर इन फ्रंट एंड इंजीनियरिंग. बट एंड आई थिंक वो काफ़ी ओवरलैप होता है बाकी फील्ड्स के साथ, जिसमें मतलब आर्ट एंड डिज़ाइन फील्ड्स में काफ़ी ओवरलैप होता है. तो लाइक आई सेड, काफ़ी फ्लेक्सिबल एक फील्ड है, एंड इट डजंट हैव टू बी, यू डोंट हैव टू बी रियली गुड एट मैथ इफ यू वांट टू स्टडी कंप्यूटर साइंस. बट अगर तुम्हें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना है, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन द फ्रंट एंड साइड ऑफ थिंग्स, डिजाइन साइड ऑफ थिंग्स, हाँ, देन सर्टन लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी इन मैथ एंड लॉजिक इज रिक्वायर्ड व्हाइल कोडिंग. एंड वो कॉम्पिटेंसी तुम्हें नेचुरली नहीं आती है. पीपल, सम पीपल आर नेचुरली गिफ्टेड और सम पीपल गेट दैट, गेट दोज थिंग्स नेचुरली, बट काफ़ी लोगों को, मेजोरिटी लोगों को नहीं होती है. दोज इंट्यूशंस आर बिल्ट ओवर टाइम. तो जस्ट बिकॉज आपको कोई चीज़ स्टार्टिंग में नहीं आ रही है, डजेंट मीन यू आर इनकेपेबल ऑफ डूइंग इट. इट जस्ट मीन्स कि आपने अभी वो चीज़ देखी नहीं है उतनी, कि आपका इंट्यूशन उसकी चीज़ के अराउंड बिल्ड हो. एग्जैक्टली जैसे मैंने भी जब पहले कोडिंग स्टार्ट की थी तब मैं बहुत इंटरमीडिएट हो गया था ये सब देख के, लॉजिक मैथमेटिक्स. लेकिन लाइक राइट नाउ ये प्रोसेस चल रहा तो थिंग्स आर मेकिंग मोर सेंस टू मी राइट नाउ. तो से समथिंग I guess we can bring everyone up, and if someone wants to ask questions or something, You will have actually like written some questions. Yeah, like I'll read them out, or you can like go in the event chat channel, like and scroll there. So Zaim is saying that thinks computer science is more about science than computers. Do you agree? Not really. And I mean, computer science is a science of computers. I don't know what semantics are, but you are basically learning about computers. I guess it's also about which. अगर आपको किसी प्योर साइंस के साथ या के साथ सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट करना है कंप्यूटर साइंस, द क्लोजेस्ट रिलेटिव वुड बी मैथ. I don't know. Computer science is really helpful in the sciences, like natural sciences, physics, chemistry वगैरह में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कंप्यूटर सिमुलेशंस मॉडल्स. बट लाइक इफ यू हैव अ स्पेसिफिक क्वेश्चन, प्लीज एलैबोरेट. I'll add the email request and try join. Paris asks favorite piece of tech. I don't think I have a favorite piece of tech right now that I own. Let me think. Yep, I don't have a piece of tech right now that I would consider my favorite piece of tech. I guess the closest About thing you that don't will have. come, my laptop, but at this point, I don't like my laptop that much. Okay, so let's not talk about the tech you own, like which is your favorite piece of tech. मेरे ख्याल से सबसे कन्वीनियंट मेरे मेरे साथ इस वक्त वो कि मेरे लिए, इफ आई कुड ओन समथिंग, वुड बी अ हेडफोन विद मल्टी डिवाइस केपेबिलिटी. फोन लैपटॉप के साथ एक साथ कनेक्ट होना एंड देन स्विचिंग इट व्हेन एवर रिक्वायर्ड, दैट वुड बी माई फेवरेट पीस ऑफ टेक इफ आई हैड इट. Okay, that's cool. I think mainly I think Tesla होगा, एक टेस्ला कार.
That's pretty cool. Tesla cars fascinate me for a very different reason. मेरा उनका मतलब एक इंडिविजुअल टेस्ला के साथ ये नहीं है, बट इन जनरल ऑटोनोमस व्हीकल्स के साथ ये है कि when we have an autonomous traffic system जिसमें सारी गाड़ियां खुद चल रही, it will be really amazing to watch. Exactly. इंडिया में भी आ रहा है टेस्ला. पता नहीं कैसे वो करेंगे यहाँ पे मैनेज. Sanan asks, can you share some of the projects you worked on? Ek project maine bola jis pe main abhi kaam kar raha hu, which is an events web app. Wait, let me see what other things I have worked on. College mein maine ek kafi interesting project pe kaam kiya tha. It was part of the class, it was like an assignment. And usme हमें एक प्लेज साइन करना पड़ा था कि हम ये चीज असल जिंदगी में यूज नहीं करेंगे, इवन दो वी कैन नॉट यूज इट. इट वाज अ बफर ओवर एन अटैक. मतलब हैकर फीलिंग आ रही थी जब वो प्रोजेक्ट किया था. बेसिकली हमें एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर दिया था एंड वी हैड टू यूज अ बफर ओवर एन अटैक टू हैक द सॉफ्टवेयर. I think in दूसरे साल मेरी यूनिवर्सिटी के मैंने एक एक टीम मतलब ने एक हैकाथॉन किया था. हैकाथॉन कोडिंग कॉम्पिटिशन जिसमें आपको 3 दिन में एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाना होता है एंड देन there's like a मतलब जज होते हो आप एंड फिर प्रेजेंट करना होता है अपना प्रोजेक्ट एंड there are winners and stuff. हमारी टीम ने एक गेमिंग प्लेटफॉर्म बनाया था. वो एक VR गेम थी. बेसिकली गेम इम्पोर्टेंट नहीं थी, इम्पोर्टेंट ये था कि लोग जो ऑडियंस गेम को देख रहे हैं दे वुड बी एबल टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ इवेंट्स इन द गेम. सो हम उसको ट्विच के साथ उस वक्त इंटीग्रेट नहीं कर पाए थे बिकॉज द टेक्नोलॉजीज वी वर यूजिंग डिडंट हैव द केपेबिलिटी टू डू दैट. बट इवेंचुअल एक वो एम ये था कि फॉर एग्जांपल कोई ट्विच स्ट्रीमर गेम खेल रहा है एंड जो उसके ऑडियंस है दे आर कंट्रोलिंग द इवेंट्स इन द गेम थ्रू द चैट. और हमने ये डिस्प्ले किया था थ्रू VR गेम. That's pretty cool. आप लोगों ने कौन सा फ्रेमवर्क यूज किया था उसके लिए? हमने यूनिटी में गेम बनाई थी एंड देन जावास्क्रिप्ट से थोड़ा उसमें एडिट्स किए थे, मतलब मॉडिफिकेशंस की थी एंड वी यूज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी. एक टूल है उससे यू आर एबल टू इंटीग्रेट अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स. तो वी यूज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी टू इंटीग्रेट Twilio, which is a SMS platform. तो हमने Twilio से SMS आता था and standard library then sent that message to the game, which caused an event. वो basically एक वो maze game थी जिससे हमने वो display किया था कि उसमें वो obstacles वगैरह आते थे. The game was very simple, but that wasn't the point. The point was the concept of the audience controlling the game. Zaim asks, what would you say is the difference between a computer science major and a software etc engineer? There's no difference, like everything is the same, like ye sari web development sub terms ek hi cheez signify karti hai, to koi zyada difference nahi hai. At least on this level. आगे जाके काफ़ी फिर थोड़े different fields हो जाते हैं. For example, आप front end design कर सकते हो जिसमें you design what the website looks like or what the app looks like and how people interact with that app. वो चीज़ें होती है. दूसरा back end engineer होता है जो उसका मतलब सारा पीछे से वो काम कैसे करती है वो design करता. These are web developers.
And then there are people who work on the architecture side of things, like who systems design karte hain. Honestly, I'm not completely sure that I know the difference between all of these things. But yeah, in general, when you say software engineer, software developer, ye sab cheeze ek cheez hoti hai. Actually, मैंने कहीं पढ़ा था इसके बारे में. कंप्यूटर साइंस बेसिकली वही से जो आप पढ़ रहे होगे, मतलब ये ना मोस्टली थियोरेटिकल पार्ट से डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एवरीथिंग. आई थिंक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में वो बेसिकली बनाते हैं चीज़ें. बिना एक्चुअली क्लास में पढ़ते होंगे वेब डेवलपमेंट और लाइक पाइथन एंड स्टफ लाइक दैट. नहीं वैसा कहीं कोर्सेज होते हैं ना शायद कहीं कहीं पे सॉफ्टवेयर कंप्यूटर साइंस एक मेजर और कंप्यूटर इंजीनियरिंग एक मेजर. वो काफ़ी सिमिलर होता है, मतलब उसमें कंप्यूटर साइंस में थोड़ी थेरेटिकल क्लासेस ज़्यादा होंगी, बट कंप्यूटर साइंस मेजर्स जो होते हैं वो सारी चीज़ें भी पढ़ते हैं. Sorry guys for watching. So like when I said that computer science is more science than computer, what I meant like I was talking about the building principles of a computer, like how a computer actually works. So to give context, like a few months ago, this YouTuber called Veritasium, he made a video about how the like unprovability of certain theorems in mathematics led Alan Turing to building a computer, like to building ENIAC, the first modern computer. So like what I meant by that, like I know, like when you code and you make apps and when you like make a website, so that's like obviously you don't have to go into the mathematics of stuff, like how things work. You just have to know a language and you just implement it. So what I meant by science, like these principles, like how does like these billions and trillions of bytes and soft stuff. That's what I said in the beginning. I understood your question. That's why I said the closest relation math ka, not science. Matlab jo aapne video dekhi, it was about mathematics. And if you study computer science and you're interested in that stuff, aap kaafi theory heavy classes le sakte ho jisme you'll study about this, why certain things are unprovable, why certain things are provable, problem complexity kya hoti hai theoretical computer science mein sari cheeze aati hain. So theoretical computer science is a lot of mathematics. But if you want to go into the science part of things, that will be most closely related to electrical engineering. Ki exactly wo sari cheeze banti kaise hain, semiconductors kaise bante hain, wo matlab wo itne complicated operations kaise karte hain. But that is mostly derived from mathematics. Jab koi cheez hum algorithm wagaira invent karte hain, वो एल्गोरिदम इज देन कन्वर्टेड इनटू सर्किट्स. वो सर्किट्स फिर जाके इम्प्लीमेंट होते हैं. इसमें काफी सिंपलीफाइड वर्जन है, पर दैट इज आई गेस द ओवरव्यू ऑफ हाउ स्टफ वर्क्स. तो हाँ, बट द क्लोजेस्ट रिलेटिव इज मैथ. एंड इफ यू गो इनटू थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस, विच इज अगर तुम कहीं भी मोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज जहाँ पे भी कंप्यूटर साइंस होता है, वहाँ पे यू कैन गो इन टू थियरी. तो यू लर्न अबाउट ऑल द स्टफ. या सो व्हेन वी टॉक अबाउट कंप्यूटर साइंस, लाइक द वर्ड कंप्यूटर साइंस मेजर, सो मोस्ट ऑफ यू आई सी लाइक मोस्ट ऑफ स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज डू ऑफर कंप्यूटर साइंस, बट ओनली अ सर्टन लाइक अमाउंट ऑफ देम ऑफर कंप्यूटर इंजीनियरिंग. सो वुड यू से लाइक इन कंप्यूटर साइंस वी गो इन टू दिस स्टफ, लाइक how computer in additional to like the coding stuff, we also go into the stuff of how computers work and these theoretical parts of the computer science. Okay, how computers work and theoretical computer science. Like I said, electrical engineering wala component different hai aur math wala component different hai. Mostly jahan pe bhi computer science wali degree offer ho rahi hogi, they will have a lot of theory based computer science classes. Obviously it depend karega university to university, ko check karna padega har ek university ka, but most places which offer computer science will have a theory track.
जिसमें आप थेरेटिकल कंप्यूटर साइंस पढ़ सकते हो. एंड थेरेटिकल कंप्यूटर साइंस अगेन वो आपको बताता है कंप्यूटर्स कैसे काम करते हैं, बट इट्स ऑन अ मच मोर एब्स्ट्रैक्ट लेवल. तो काफ़ी एब्स्ट्रैक्शन है वहाँ पर, मैथ होता है वहाँ पे. फॉर एग्जांपल इंक्रिप्शन के बारे में बात करते हैं, कंप्रेशन के बारे में बात करते हैं, ये सब चीज़ें मैथमेटिक्स है. जो आपने वेरिट आश्रम की वीडियो देखी अबाउट अनप्रूवेबिलिटी ऑफ सर्टेन थिंग्स, दैट वाज आल्सो मैथमेटिक्स. अगर आपको देखना है कि एक्चुअल कंपोनेंट्स जो एक कंप्यूटर फिजिकल मशीन के अंदर होते हैं, ये रैम स्टिक कैसे काम करती है, ये CPU कैसे काम करता है इसका, ये मेमोरी कैसे चलती है, फिजिकली कैसे चलती है, दैट इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, दैट इज नॉट कंप्यूटर साइंस. So Moin, far as Shannon, both are curious, like, what is your dream job? मुझे पता नहीं है मेरा ड्रीम जॉब क्या है. अभी मैंने डिग्री आधी कंप्लीट की है, बट आई डू वांट टू मेक समथिंग मतलब इन द फ्यूचर के. ड्रीम जॉब मेरा क्या होगा, it should be a combination of something I enjoy doing and which pays a lot. also to add to Zain's point ke agar if you want to study theoretical computer science undergraduate degree ke baad log PhD karte hain fir is cheez mein. तो आपकी फ्यूचर एस्पिरेशंस क्या हैं, लाइक एंटरप्रेन्योरियल या रिसर्च ओरिएंटेड है या सीधा जॉब लेने का प्लान है? रिसर्च ओरिएंटेड नहीं, आई डोंट वांट टू परस्यू अ पीएचडी इन कंप्यूटर साइंस. आई एम मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स मेकिंग स्टफ दैट कुड बी एज पार्ट ऑफ समवन एल्सस कंपनी और स्टार्टअप, एंड इट कुड बी फॉर माई सेल्फ लाइक इफ आई बिल्ड समथिंग. बट इतना आसान नहीं होता है कुछ भी खुद बनाना या एक्चुअली मेक इट वर्क. तो विल सी इन टू इयर्स क्या होता है इसके बाद. एंड इट्स लाइक अ वेरी फ्लूइड थिंग, ये चेंज होती रहती हैं चीज़ें सारी. योर करियर लाइक योर जॉब विच विल होल्ड इन 10 years माइट नॉट इवन बी इन एग्जिस्टेंस राइट नाउ. तो थोड़ा फ्लेक्सिबल रखना चाहिए खुद को अराउंड इफ यू आर इन दिस फील्ड, स्पेशली इन लाइक द टेक कोडिंग और इंजीनियरिंग फील्ड. सनान आस्क्स व्हाट आर सम ऑफ द एडवांटेजेस दैट अ यूनिवर्सिटी सीएस स्टूडेंट हैज ओवर समवन हु हैज सेल्फ स्टडीड सीएस. उनका आंसर दिस रिकॉर्डिंग देख लेना फिर बाद में. Apple or Android, Windows or Mac, sab preference hai. Abhi I have all Windows and Android. Apple makes more sense if you have everything Apple. It's very compelling to go into that rabbit hole, but I have not gone into it. For programming, I think Linux for Mac OS is the best. It's better than Windows, much better. मतलब तो Windows में भी Linux होता है. मतलब वो हाँ मतलब virtual machine ला सकते हैं, but yeah that'll work. नहीं, it's built like now Windows has like supports Linux natively. Oh, I didn't know that. Cool. I was reading someone's question. If you could go back to the first year of university, which language would you master first? I think I started with a pretty good language. I started with Java. I think kafi achhi jagah hai start karne ke liye for people who are starting. And हमारी यूनिवर्सिटी स्ट्रक्चर्ड इन अ वे कि इंट्रोडक्टरी क्लासेस जावा में होती है
I don't think it matters that much. You can start with Java or Python. I wouldn't recommend starting with C or C++. But Java is a good language to start. And if you learn one language, it's really easy to switch and learn other languages really fast. Think of languages as they're not different languages. They're different dialects of the same language. So if you learn one thing, you'll be easily able to pick up every other language. I would like, personally, I would prefer JavaScript or Python. I want to learn JavaScript. But I haven't gone into JavaScript right now. I would like to learn it. Very useful for web development. Like, you can also do machine learning with JavaScript. जैसे पाइथन से वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं वैसे जावास्क्रिप्ट से मशीन लर्निंग कर सकते हैं देयर आर डिफरेंट थिंग्स दैट आर सूटेड फॉर डिफरेंट पर्पसेस वाज देयर एनीवन पर्टिकुलर दैट इंस्पायर्ड यू टू परस्यू द टेक CS route, like an idol or something. I don't think so. I was just generally interested in the field. I don't think koi particular idol hai mera in general. Favorite CS related YouTubers. I have a lot of science YouTubers that I watch. I watch PBS Space Time a lot, physics or astrophysics. I don't understand 70% of what that person is saying, but I enjoy watching those videos. I watch a lot of engineering, science, and coding, but specifically, if we're talking about coding, there's Corey Schaefer. He has tutorials and stuff. Recently, कुछ interesting channels आए हैं and they explain stuff. हाँ, Reducible एक programming coding related channel है. He uses 3Blue Underground's animation library to animate coding, programming, computer science related topics. काफी interesting channel है. You should check it out. We have only 7 minutes are left till 9. Anything you wanna end this talk with? I think a general statement. It's not really related to. It's not exclusively related to computer science. People usually underestimate what they are capable of doing. So in any field, in whatever field you are, in whatever thing you're interested in, always try to take it to the highest level that you can. At least try. And once you try doing it, you'll find that it was a lot easier than you thought it was. This is especially true for computer science. However intimidating something, some language framework or some thing might look, once you get into it, it's not as hard or as unapproachable you thought it was. And ye kafi sari cheezon ke saath relate hota hai. Life advice hai. कोई भी थिंग कोई भी चीज़ कोई भी इंटरेस्ट कोई भी वेंचर आपका उतना मुश्किल होता नहीं है जितना ट्राई करने से पहले लगता है। That's great advice.
So, Moin, thank you so much for being here today. It means a lot to me. I hope somebody learned something new today. And I'll be posting this on the website so like people can also listen to it later. People who missed it and everything. I enjoyed talking. Thank you. So I guess that's it. Everybody take care. Bye. Good night.